जय हिंद दोस्तों, आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है? आई होप शो आप लोग की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज से मैं आप लोगों के सामने इंडियन ज्योग्राफी का क्लास लेकर आई हूँ, जो कि भारत का सामान्य परिचय से जुड़ा हुआ है। यह क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन डाला है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि हर एग्जाम में इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसलिए क्लास क्लास तक बने हुए रहना। वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले समय में आपकी सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला सेशन कंप्लीट हो सके। तो चलते हैं अपने क्लासेस की ओर। और हाँ, सबसे जरूरी बात, आप लोग सारे क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, और लास्ट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे। ओके, तो अब स्टार्ट करती हूँ यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान के बीच का अंतर सबसे अधिक होने की संभावना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान पर दिन और रात के तापमान के बीच का अंतर सबसे अधिक होने की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर टू, भारत पूरी तरह पृथ्वी के कौन से गोलार्ध और कौन से भाग में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत पूरी तरह से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी भाग में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर थ्री, कोंकण तट में रहने वाले लोग तापमान की चरम सीमा और मौसमी आवर्तन की सामना क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि तटीय स्थिति के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीन सी हो जाएगा, कोंकण तट में रहने वाले लोग तापमान की चरम सीमा और मौसमी आवर्तन का सामना तटीय स्थिति रहने के कारण नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, भारतीय मानक यामोत्तर रेखा कि 5 राज्यों से होकर गुजरती, इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार। 5 राज्य के बारे में पूछा जाएगा तो यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे 3 राज्य दिया गया है, 2 राज्य अभी नहीं दिए गए क्योंकि ऑप्शन तो 4 ही होना था, लेकिन यहाँ पे भी बता रहा है कि कौन नहीं है, तो बिहार शामिल नहीं है मानक यामोत्तर रेखा में। ओके, और ये क्वेश्चन आपको पिछले साल बिहार दरोगा के पीटी में भी आया था और मेंस में भी क्वेश्चन ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, लक्षद्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत के समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई कितनी है? ओके, तो इसका कुल लंबाई की बात किया जा रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7516 किलोमीटर। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत के समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच में स्थित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करती है? तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अफगानिस्तान से, और सबसे ज्यादा बांग्लादेश से। क्वेश्चन नंबर 9, कहाँ पे भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, कौन सी रेखा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्क रेखा भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तरी मैदान के प्रमुख क्षेत्रों में भावर क्या है? भावर क्या है? तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लगभग 8 से 16 किलोमीटर की एक संकीर्ण पट्टी या बेल्ट भी कहा जा सकता है, जो सिंधु नदी से तिस्ता तक हिमालय की तलहटी के साथ पश्चिमी पूर्वी दिशा में फैली हुई। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितना डिग्री उत्तर में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 डिग्री। भारत भूमध्य रेखा से मात्र 8 डिग्री उत्तर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद सागर मिलते हैं, मतलब तीनों मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर कन्याकुमारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो बड़ा राज्य की बात किया जाए तो राजस्थान, वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जा रहा है। जनसंख्या की दृष्टि से बताओ सबसे बड़ा राज्य कौन है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देख लेते, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है, कौन सा है राज्य? तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15,
निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो यहाँ पे देखो कौन से देश है जहां पे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, तो श्रीलंका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय का कितना घंटा से कितना मिनट आगे रहता है? तो 5.5 घंटा, तो 5 घंटा 30 मिनट, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सफेद पेट वाले बगुले का प्राकृतिक आवास बड़े पैमाने पर वितरित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर पूर्व। भारत के उत्तर पूर्व में सफेद पेट वाले बगुले का प्राकृतिक आवास बड़े पैमाने पर मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, भारत किसके साथ सीमा को साझेदारी करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, म्यांमार के साथ सीमा को साझेदारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर होने इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अध्यारोपित सीमा का। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन है? मैनग्रोव वन की बात किया जा रहा है, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुंदर वन, आरक्षित वन। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान भारत में नवीनतम है? नवीनतम की बात किया जा रहा है और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोडवाना। गोडवाना चट्टान भारत में नवीनतम है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कह रहा नहीं है, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है? अधिकतम भारतीय राज्य से होकर गुजरने वाला अक्षांश 24 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है। क्वेश्चन नंबर 24, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? दादर नागर हवेली की राजधानी की बात किया जाए तो सिलवासा, इसका राइट आंसर। 25, डक्कन पास किसके बीच है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 25 की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिणी अंडवाड़ और छोटा अंडवाड़ के बीच है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंडवाड़ निकोबार द्वीप समूह में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय मानक समय की गणना किसके क्लॉक टावर से की जाती है? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिर्जापुर। 28, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल की बात किया जा रहा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असम, जबकि बिहार, पश्चिम बंगाल, यूपी करता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत से अधिकतम दूरी पर है? भारत के से अधिकतम दूरी पर कौन सी रेखा है? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव। भारत से अधिकतम दूरी पर है दक्षिणी ध्रुव। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? समुद्र तट की बात किया जा रहा है तो चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? तो कुटनाड, जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32, बांग्लादेश का स्थलीय किसके साथ है? स्थलीय सीमा की बात किया जा रहा है तो भारत और म्यांमार के साथ। क्वेश्चन नंबर 33, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग कितने द्वीप शामिल है? 33 का राइट आंसर 572 द्वीप शामिल है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह की बात किया जा रहा है तो अरब सागर में स्थित है। 34, हाँ। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, भारत का पूर्वोत्तम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर ऊंचाई सबसे अधिक है? यहाँ से स्थान की बात किया जा रहा है कि जहाँ की अस्थाई मतलब ऊंचाई अधिक है, तो रानीखेत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि का नाम क्या है? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाक जल संधि। 38, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? पूर्व के एथेंस के रूप में मदुरे। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का स्पर्श नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं कि अंतरजी खेड़ा का पुरातात्विक स्थल कहाँ पे स्थित है? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूपी, और ये तो हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास का। 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है? स्थलीय क्षेत्र की बात किया जा रहा है, ओके, तो 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन,
कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की परमाणविक या उत्तर रेखा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 82.5 डिग्री ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 43, संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? मेघालय क्षेत्र की बात किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर दक्कन का पठार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर में है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भागों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोंकण तट। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर, यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 46, नाथुला दर्रा उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीन। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि उत्तर पश्चिम में भारत की भूमि सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाकिस्तान। 48 नंबर क्वेश्चन, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं से नेपाल जुड़ी हुई है? तो नेपाल की बात किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे ट्रिक्स भी मैंने बता रखा है, तो ट्रिक वाले वीडियो भी ज्योग्राफी सेशन में जाकर देखोगे, आपको सारे ट्रिक वाले सेशन मिल जाएंगे। बहुत सारे ट्रिक मैंने ज्योग्राफी पे बनाया है। 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत का कौन सा राज्य साझा दोआब और मालवा क्षेत्रों में विभाजित है? तो 49 का राइट आंसर पंजाब हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है कौन कौन से देशों के बीच? तो मैकमोहन रेखा की बात किया जाए तो भारत एवं चीन के बीच। 51 नंबर क्वेश्चन, भारत में कितने राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2 अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य 2 या अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करती, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और असम दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 53, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बलांग के समय में कितने घंटों का अंतराल होता है? या फिर बात किया जाए पूर्वी और पश्चिमी के बीच कितने समय का अंतराल होता है एग्जैक्ट? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 घंटा। क्वेश्चन नंबर 54, भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 55, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिवालिक पर्वत श्रेणी, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते कि बंगाल की खाड़ी भारत के कौन से हिस्से में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्व में है। बंगाल की खाड़ी पूर्व में है, और अरब सागर कहां पे हो जाएगा? तो पश्चिम में। ओके, भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है? तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेट निकोबार द्वीप में। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं, भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रानुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 58 का हो जाएगा, डी, चौथा। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं, कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? पाकिस्तान के साथ सीमा साझा के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसके बारे में मैंने ट्रिक भी बताया था, पंगू राज से आपको क्या समझ में आया? पंगू राज से पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से है, तो गुजरात है, पंजाब है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर, मतलब कि सारा हो जाएगा। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं, भारत ने किस देश को साथ अपनी सीमा मानचित्रों की अदवा बदली की है, मतलब अदला बदली की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बांग्लादेश। भारत ने बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा मानचित्रों की अदला बदली की। ओके, 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर माजुली जो हो जाएगा, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, चैल हिल स्टेशन में स्थित है, चैल हिल स्टेशन कहाँ में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ओके, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो मांजुली द्वीप हो जाएगा, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो साइलेंट वैली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, बड़कला, चौरावर, चक्कावर और नटिका राज्य समुद्र तट है, कौन से राज्य का है ये? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल राज्य का।
क्वेश्चन नंबर 66, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गौहर मोती। गौहर मोती पश्चिमी बिंदु का नाम है और पूर्वी का तो बलांग। क्वेश्चन नंबर 67, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8 राज्यों से। ओके, क्वेश्चन नंबर 68, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा क्या कहलाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो है, तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य निम्न में से कौन सा है? तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत देश में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है? तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 71, गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देशों के साथ लगती है? तो गुजरात की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि पटकई भूम पहाड़ी भारत के किस भाग में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। 73 नंबर क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी में चिन्हित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीलगिरी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 74, बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह है, यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराखंड। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि उत्तराखंड में बुग्याल हिमालय की ढलानों की ऊंचाई पर घास के मैदान और चारागाह पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 में कि भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किवीथू, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन, भारत प्रमुखता एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है? तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अक्षांशीय विस्तार। क्वेश्चन नंबर 77, किसको गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैसलमेर को। जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इसके आगे आते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? तो प्रातः काल में कहां पड़ेगी? तो पूर्व दिशा में पड़ेगी। पूर्व दिशा में कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा भारतीय राज्य उत्तर में भूटान, अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड, मणिपुर, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम तथा बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल की सीमा पर है? तो इसका राइट आंसर 79 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, असम राज्य की बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं कि एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? सिक्किम राज्य से जुड़ा हुआ है, कौन सा राज्य यहाँ पे सीमा है? तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी हुई नहीं है? तो बांग्लादेश का है, चीन का है, म्यांमार का है, जबकि ताजिकिस्तान का नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं, 82 नंबर में है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? तो बांग्लादेश की सीमा पर स्थित से पहले मैंने इसका ट्रिक बताया था, एएम पीएम टी। अब एएम पीएम टी क्या है? तो असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अब ये देखो कि कहां पे है, तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जहां पे आपको सारे राज्य का नाम पता चल रहा है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो एम टीएम और पी याद कर लेना, एम पीएम ऐसे भी याद कर सकते हो, टाइम क्या होता है एम पीएम, आसानी से याद हो जाएगा। ये सारे आसानी से ट्रिक से भी याद कर सकते हो, मैप से भी याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 84, थार रेगिस्तान जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है पहाड़ी के पश्चिमी सिरे पर है, तो कहाँ पे स्थित है? 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरावली, अरावली के पहाड़ी पर स्थित। ओके, 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के सात बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? सात बहन कहाँ पे आ जाते? पूर्वी भाग में आते। तो यहाँ पे कौन सा सात बहनों में शामिल नहीं? तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिपुरा का राजधानी अगरतला। क्वेश्चन नंबर 87, आंध्र प्रदेश को एक तटीय सीमा
किससे जुड़ी हुई है? तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी से। 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर दक्षिण पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती? ओके, तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तीनों ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन भारत का जुड़वा शहर नहीं है? जुड़वा शहर नहीं है की बात किया जा रहा है, तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिशूल और तिरुवल्ला। क्वेश्चन नंबर 90 की बारी, 90 नंबर क्वेश्चन में, और ये सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हो जाते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन जरूर देखो, एक से दो बार देखो और अच्छे से समझने की कोशिश करो और पढ़ो ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इस बार। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य की बात किया जाए तो गुजरात। 91, लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था, इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है? तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 33। लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था, इसे 33 महासागर के नाम से जाना जाता है, और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 92 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 92 है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झारखंड को नहीं छूती है। 93 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 93 नंबर क्वेश्चन में कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की भाषा नहीं है, तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोनपा नहीं जबकि बाकी सारे हैं। 94, भारत के किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव मनाया जाता है? ये काफी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 95, कोकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोकण तट जो कि दमन से लेकर गोवा तक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 96, दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है? तो दिसंबर 2018 की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। ओके, 96 के बाद 97 नंबर क्वेश्चन, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर 97 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4096, बांग्लादेश से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा है? 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 99, पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगती है? पूर्व की बात किया जा रहा है तो म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती? प्रवाल भित्ति नहीं पाने की बात किया जा रहा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैम्बे की खारी। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर की एक नदी के तट पर स्थित नहीं है? नदी के तट पर स्थित नहीं है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भोपाल। अब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से स्टार्ट हो रहा है, आपके 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लक्षद्वीप को मालदीप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? 103 का राइट आंसर नागपुर। 104, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोवा। 105 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 105 नंबर क्वेश्चन है, बोम बिल्ला दर्रा किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये सारे क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सही मार कर आना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो पंगू राज्य में कौन सा नहीं आ रहा है? तो हरियाणा नहीं आ रहा है, तो ये नहीं करेगी, आपको ट्रिक के माध्यम से भी मैंने बता रखा। क्वेश्चन नंबर 107, काठेवाड़ा प्रायद्वीप को भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है? तो 107 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर क्वेश्चन, सतलज नदी भारत के किस दर्रे में प्रवेश करती है? सतलज नदी की बात किया जा रहा है कि भारत के किस दर्रे में प्रवेश करती है, तो 108 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिपकिला में। ओके, 109 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करती है? भूटान के साथ बात किया जा रहा है तो इसका भी मैंने टिक बताया था, तो इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ओके, 110 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 110 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की बात किया जा रहा है तो 3214, यदि पूरब से पश्चिम की बात किया जाएगा तो 2933 किलोमीटर। ओके,
क्वेश्चन नंबर 111 क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य कौन है। क्षेत्रफल की बात किया जा रहा है तो सबसे पहले से देख लो, आप लोगों को इसका राइट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ओके, क्वेश्चन नंबर 112, केरल से गुजरने वाले अक्षांश कहां से भी गुजरते, मतलब कौन से राज्य से भी गुजरते, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु। 113 नंबर क्वेश्चन, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, सोनभद्र कितने राज्यों की सीमाओं का स्पर्श करती है, तो 113 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चार राज्यों को की सीमाओं को। 114 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 114 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी में कौन सा समुद्र स्थित है, भारत के पश्चिमी की बात किया जा रहा है तो अरब सागर। 115 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उत्तर पूर्व सात सिस्टर स्टेटस में नहीं है, सेवन सिस्टर का स्टेट्स में कौन से राज्य नहीं है, तो 115 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओडिशा। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि सात सिस्टर स्टेट्स में कौन कौन से राज्य आते हैं। ओके, यदि आपको नहीं पता है तो बिल्कुल कमेंट करना, मैं बता भी दूंगी। भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें चार जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती है, तो 116 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुदुचेरी। 117 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि को भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर स्थित है, तो 117 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पांडिचेरी। पांडिचेरी राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर स्थित है। ओके, 118 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी द्वीप पर है, तो इसका राइट आंसर 118 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एलिफेंटा। क्वेश्चन नंबर 119 कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो 119 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोरोमंडल। अभी कोकण तट के बारे में बताया तो उसमें कहां से कहां तक आएगा ये क्षेत्र, ये भी बताओ, कमेंट करके जल्दी से बताओ। 120 नंबर क्वेश्चन, केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं, केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख की बात किया जा रहा है कितने जिले, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दो। क्वेश्चन नंबर 121, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 122, बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य को साझा नहीं करता है, 122 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झारखंड को साझा नहीं करता है। बांग्लादेश का मैंने अभी ट्रिक जस्ट बताया था, क्या टाइम, मतलब एएम पीएम और टी, असम मेघालय पश्चिम बंगाल मिजोरम त्रिपुरा। ओके, इसमें जो नहीं है वो छाट लो। क्वेश्चन नंबर 123, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को निर्धारण किसने किया था, 123 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर सिरिल रेडक्लिफ ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, 124 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट 125 नंबर क्वेश्चन का, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिलोंग, पूर्व का स्कॉटलैंड शिलोंग को कहा जाता है। 126 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 126 में है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, बांग्लादेश की बात किया जा रहा है, फिर एम टी एम देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मणिपुर नहीं करता है। 127 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है, तो ये भी मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया था, तो सिक्किम, सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम राज्य का सीमा चीन नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 128 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत को भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया, भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया, तो पांच भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया। तो आज का क्लास ज्योग्राफी का सामान्य परिचय से जुड़ा हुआ था, तो ये क्लास आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो सके, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी तो मैंने करवा रखा है, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, विविध मिसलेनियस वाले भी सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।